हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज की जो हमारी क्लास है वो है हॉर्टिकल्चर के JRF के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो भी 2011 का। और सबसे बेस्ड इम्पॉर्टेंट कि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारी सीरीज़ है वो देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होने के बाद हम एक्सप्लेनेशन पे ना ध्यान देके बस जितने हमारे क्वेश्चन कवर हो जाए एक लेक्चर में उस पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 के लमसम है और आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाता है कि आगे हमें अपनी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग करनी है। तो ये 2011 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मेमोरी बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट। वन, फर्स्ट जो है वो है बनाना, सेकंड है पपाया, थर्ड है सिट्रस एंड फोर्थ है बेल। तो इसमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा सिट्रस। जो माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग जो प्लांट है वो कौन सा है इनमें से, वो है सिट्रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर राइपनिंग, क्या है फॉर राइपनिंग, क्यूरिंग इज डन इन विच फ्रूट क्रॉप, ठीक है। पकावन के क्यूरिंग जो की जाती है वो कौन से फ्रूट में की जाती है, मैंगो में, ग्रैप में, बनाना में या फिर गुआवा में। तो इसका भी आंसर क्या है, बनाना। क्यूरिंग जो की जाएगी वो किस में की जाएगी, बनाना में की जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इन विच वेजिटेबल क्रॉप क्यूरिंग इज डन। पहले हमने फ्रूट की बात की थी और अभी जो है वो वेजिटेबल है, कि इन विच ऑफ वेजिटेबल क्रॉप क्यूरिंग इज डन। फर्स्ट ऑप्शन है गार्लिक, सेकंड है पोटैटो, थर्ड है अनियन और फोर्थ है याम। तो हमारा इसका भी आंसर क्या होगा, अनियन होगा, ठीक है। अनियन में क्या की जाती है, क्यूरिंग एप्लीकेबल है, क्यूरिंग की जाती है सबसे ज्यादा। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO लोकेटेड एट जिनेवा, न्यूयॉर्क, ब्राजील या फिर कैनेडा। तो बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जिनेवा में सिचुएटेड है, कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, AVRDC फुल फॉर्म क्या है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है वो कहाँ पे है, इज सिचुएटेड एट ब्राज़ील, ताइवान, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो इसका जो आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो है ताइवान, ठीक है, ताइवान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है इंडिया में। फर्स्ट ऑप्शन है IRRI, सिमिट, इक्रीसेट या फिर AVRDC, दैट इज DC, ठीक है, डेवलपमेंट सेंटर जिसकी हमने अभी बात की है, जो कि कहाँ है, ताइवान में है। तो हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं ये, इंडिया में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो है इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स, जो कहाँ पे है, हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अबाउट 99.5% ऑफ प्लांट पार्ट इज मेड अप, ठीक है। 95.5% जो प्लांट का पार्ट है वो किससे मेड अप, यानी किससे बना हुआ होता है, CHO से, NPK से, सल्फर और कैल्शियम से या फिर बोरोन और मैग्नीशियम से। तो इसका जो आंसर है वो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्लांट की 95% तक जो बॉडी होती है वो बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो ब्राउनिंग होती है कॉलीफ्लावर में ये किसकी वजह से कॉज्ड होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, बोरोन की डेफिशिएंसी से, मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी से या मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। बात करते हैं ब्राउनिंग की, तो ब्राउनिंग जो होती है कॉलीफ्लावर में वो किसकी, बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है। आंसर क्या है, बी, बोरोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है हमारा बटनी. अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप. बटन शेप में हो जाता है ना, किस में होता है, कौन सी वेजिटेबल, ब्रैसिकेसी फैमिली की कौन सी क्रॉप है जिसमें बटनिंग सबसे ज़्यादा होती है, कैबेज में, नोलखोल में, कॉलीफ्लावर में या फिर ब्रोकली में. तो बटनिंग की बात करें, नाइट्रोजन की डिफिशेंसी से होती है, बटनिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, कॉलीफ्लावर में देखने को मिलती है. जो कर्ड का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है. ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट शो सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी. कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कैल्शियम की डिफिशियंसी को शो करता है. जैसे कि हम देखते हैं कि कैल्शियम का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा एपिकल शूट पे होता है. ठीक है, तो एपिकल शूट पे बनने के कारण इसमें देखिएगा क्या होगा, टर्मिनल लीव्स जो होती है उस पर इसके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा शो होते हैं. कौन सी लीव्स पे, टर्मिनल लीव्स पे. तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्मिनल लीव्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है, होलो स्टेम इज जनरली मोर प्रोमिनेंट इन. जो होलो स्टेम है वो जनरली, जो होलो स्टेम किस में देखने को मिलता है, पोटैटो में. ठीक है, होल्स मतलब हो जाता है. ठीक है, ब्लैक कलर का, वो किसकी वजह से, तो ये क्या है, प्रोमिनेंट इन. तो इसका जो आंसर होगा, ओवर साइज जो ट्यूबर होते हैं उसके कारण. ठीक है, ओवर साइज यानी साइज से ज़्यादा ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, तो ड्यू टू. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ फ्रूट इज नॉन क्लाइमेट्रिक इन नेचर. नॉन क्लाइमेट्रिक इन नेचर यानी जिनको तोड़ने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, पका नहीं सकते एक टाइप से. ठीक है, प्लांट पे है तब तक वो उनकी राइपनिंग स्टेज चलती रहती है, उसके हार्वेस्टिंग के बाद आप उसे नहीं पका सकते. हमारा जो आंसर है इसका वो है मैंडरिन एंड ग्रेप्स. क्लियर है, मैंडरिन जो सिट्रस फ्रूट मैंडरिन है वो और अंगूर जो है वो दोनों कैसे हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच सब ट्रॉपिकल फ्रूट इज एवरग्रीन इन नेचर. सब ट्रॉपिकल, ठीक है, फ्रूट और एवरग्रीन इन नेचर की बात की जा रही है, तो वो है इनमें से लोकट. लोकट जो है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है और एवरग्रीन फ्रूट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकस्ट बिलोंग टू द फैमिली. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो ये रोज वाली फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि रोजिएसी फैमिली. ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रोजिएसी फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलेक्स स्प्लिटिंग इज अ वेरी कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ. कैलेक्स स्प्लिटिंग, जो कैलेक्स होता है वो स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है और किस में होता है, फिजियोलॉजिकल एक कायिक विकार है और किस में होता है ये, कार्नेशन जो फ्लावर है उसमें देखने को मिलता है. कैलेक्स स्प्लिटिंग जो है वो किस में देखने को मिलती है, कार्नेशन फ्लावर में. ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड. ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड जो है वो कौन सी वेजिटेबल है, तो हमने ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में टमाटर नहीं है जी, काउपी भी नहीं है, ब्रिंजल भी नहीं है. ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड जो है वो कौन सी है, लीमा बीन. ठीक है, कौन सी है, लीमा बीन. नेक्स्ट हम बात करते हैं, रूट एंड शूट प्रूनिंग इज वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस. रोज में, ग्वावा में या फिर जामुन में या फिर ग्लैडुलस में. रूट एंड शूट प्रूनिंग की बात कर रहे हैं, तो रूट की प्रून करना और शूट का, ताकि प्रॉपर प्लांट का एरिएशन हो सके, तो वो किस में की जाती है, वो रोज में की जाती है. ठीक है, रोज जो फ्लावर है उसमें रूट एंड शूट प्रूनिंग दोनों को एप्लीकेबल यानी किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर, विच ऑफ द वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर इज लेट मैच्योरिटी. कौन सी कॉलीफ्लावर की इन चारों में से वैरायटी है जो लेट मैच्योरिटी शो करती है, तो वो जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा हिम ज्योति. कौन सी वैरायटी लेट मैच्योरिटी शो करती है, पूसा हिम ज्योति. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्लावर एक्सपोर्टिंग कंपनीज ऑफ इंडिया आर लोकेटेड एट. ठीक है, ड्राई फ्लावर की जो कंपनी है वो इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा
कहाँ पे है लोकेटेड है, ठीक है। तो टूटीकोरिन जब हमारा एग्जाम हुआ था तब 2011 में, तब ये टूटीकोरिन था, अब जो इसका नाम है अब है थूथुकुड़ी, ठीक है। और ये जो है ये तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे पोर्ट का एरियाज जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई फ्लावर एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है। देखिए, ब्लैक लेग इज़ अ मेजर डिसऑर्डर ऑफ, जो ब्लैक लेग है वो सबसे ज़्यादा मेजर डिसऑर्डर जो है वो किसका, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है कैबेज का, ठीक है। तो आंसर हो गया कैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल डेजिकेटेड फॉर फ्लावर ड्राइंग, ठीक है। अब देखिए, कई बार आपने इसमें देखा होगा बॉटल्स जब हम लेके आते हैं, वाटर बॉटल हुई, शूज़ हुए, उनमें से एक छोटी सी पैकेट निकलती है, वो क्या होता है, वो मॉइस्चर को कम करने के लिए, यानी वो क्या है, डेजिकेट फॉर फ्लावर ड्राइंग। अब इसमें फ्लावर ड्राइंग के लिए पूछा है, उसमें भी होता है, उसमें सिलिका, तो ये पूछा है सिलिका जेल होता है, सैंड होती है, बोरिक एसिड होता है, ये ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ड्राई फ्लावर के लिए में भी जो रखा जाता है वो क्या है, सिलिका जेल को, सैंड को, बोरिक एसिड, वो छोटे छोटे उसमें, ताकि वो मॉइस्चर को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, ठीक है। मेटाजीनिया, मेटाजीनिया इज ए नॉर्मली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। देखो मेटाजीनिया इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा रैंडमली जब है ना कोई भी प्लांट है वो मेल, हमेशा जो फीचर आते हैं वो मोस्टली फीमेल के आते हैं, फीमेल के किसी प्लांट पे, फीमेल पे ना के, अब जैसे कुकुम्बर में आपने बिटरनेस देखा होगा तो वो मेटाजेनिया इफेक्ट है, मक्का में आपने उसके कलर्स को दानों के रंग के देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं ना कलरफुल, तो वो मेटाजेनिया इफेक्ट है। और जो इसमें से ऑप्शन है उसमें डेट पाम में भी मेटाजेनिया इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर डायोशियस, पपाया डायोशियस, यानी मेल और फीमेल जो होंगे वो डिफरेंट ना प्लांट पे होंगे, ठीक है। मेल और फीमेल जो फ्लावर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होंगे, वो पपाया में, डेट पाम में, या एस्परगस में, ये तीनों में, ऑल ऑफ दीज जो हमारा आंसर है, तीनों में क्या होता है, तीनों में डायोशियस नेचर पाया जाता है। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। 23 हो गया हमारा, अब हम बात करते हैं 24 को, डेट पाम इज क्या है, डेट पाम इज प्रोपेगनेटेड बाय, तो आपको पता है जो अपना खजूर है उसका प्रवर्धन किससे होता है, तो खजूर का प्रवर्धन सकर्स के हो, सकर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट पाम इन इंडिया इज डन एट विच स्टेज, तो इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में हार्वेस्टिंग जो होती है, जो कटाई होती है डेट पाम की, वो कौन से स्टेज पे होता है, तीन चार स्टेजेस होती है, गंडोरा है, पिंड है ना, डोका है, फिर ना पिंड सबसे लास्ट में होती है ना, फिर डैंग है, तो ये चारों स्टेजेस हैं। अब देखिएगा, हमारे इंडिया में बात की जाए, क्योंकि उस टाइम क्या हो जाता है, बारिश आने वाली होती है, ये बारिश आने से पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी गिरता है खजूर जो है वो क्या होता है, फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमारा रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, मानसून सीज़न, इसकी वजह से डोका स्टेज जो होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, पिंड तक तो पहुँचता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 26 की बात करते हैं, विच फ्रूट क्रॉप इज पॉलीगैमस इन नेचर, पॉलीगैमस यानी एक तरफ तो बाइसेक्सुअल होंगे और एक तरफ यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, तो वो जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, पपाया में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम बात करते हैं 27, विच फ्रूट क्रॉप इज हाईली ससेप्टिबल टू वाटर लॉक्ड, वाटर लॉक्ड के लिए कौन सी, वाटर जलमग्न की जो स्थिति रहती है उसके लिए कौन सी जो क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा हाईली ससेप्टिबल है, तो पपाया जो है वो वाटर लॉक कंडीशन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता, तो ये जो है ये वाटर लॉक कंडीशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी पपाया। 28 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉटिक फ्रूट, एग्जॉटिक यानी बाहर से आया गया, तो एग्जॉटिक जो फ्रूट है वो कौन सा है इनमें से, पाइनएप्पल जो है वो एग्जॉटिक फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिरोमोन ट्रैप इज यूज्ड टू अट्रैक्ट, फिरोमोन ट्रैप है वो यूज, ये एक फीमेल हार्मोन होता है इसके अंदर, और वो किसको अट्रैक्ट करता है, मेल मोथ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो आंसर हमारा इसका क्या होगा, मेल मोथ, ठीक है, फिरोमोन ट्रैप इज यूज्ड टू अट्रैक्ट मेल मोथ। नेक्स्ट देखिएगा,
इंटरस्टॉक इज यूज टू ओवरकम, जो इंटरस्टॉक है वो यूज किसके लिए, ओवरकम किसके लिए किया जाता है, देखिएगा, असेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है. क्या यूज किया जाता है? इंटरस्टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरा कैन बी मेंटेन बाय एपोमिक्सिस, एडवेंटिजिनियस शूट फॉर्मेशन, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो देखो ये क्या होता है कि मेरा, जैसे भी आपने लोगों ने देखा होगा कि जो फ्लावर है या फिर कोई भी पत्ती है, एक्स्ट्रा कोई अपना सिम्टम्स शो करती है, जैसे उसकी शूट अलग हो गई है, कलर अलग हो गया है. तो ये जो सारी चीज़ है ये किमेरा में है, और ये जो होती है ये क्या, कटिंग और ग्राफ्टिंग से क्या होती है, मेंटेन्ड होती है. किससे होती है? कटिंग या फिर ग्राफ्टिंग से. 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज, तो इसको क्या बोला जाता है, पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है. जो आंसर है वो हमारा क्या है, पार्थेनोजेनेसिस. यानी इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, डीग्रीनिंग, डीग्रीनिंग की बात कर रहे हैं. डीग्रीनिंग इज डन इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप एक्सेप्ट, मतलब मोस्टली फ्रूट में डीग्रीनिंग करी जाती है. किसको छोड़ के? ग्रैप में डीग्रीनिंग नहीं की जाती. किस में नहीं की जाती? ग्रैप में डीग्रीनिंग नहीं की जाती, बाकी सब में की जाती है. थीमा इज अ कल्टीवर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि थीमा इज अ कल्टीवर ऑफ, तो कौन से फ्लावर का है ये कल्टीवर? ये है बोगनविलिया का. किसका है? बोगनवेला. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगनविला क्लाइम्स बाय मींस ऑफ, तो बोगनविला के जो क्लाइम्स जो चढ़ती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको हुक्स बोला जाता है, ठीक है, जो किसके थ्रू होती है. ये क्या है इसका आंसर? हुक्स, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, पूसास रिजन एंड एनिप्लॉयडी रूट स्टॉक बिलोंग टू विच फ्रूट क्रॉप. पूसास रिजन फेमस वैरायटी है, ठीक है, फेमस है, रूट स्टॉक है. किसकी है जी? ये है गुआवा की. आंसर क्या होगा? गुआवा. नेक्स्ट है, कैप्रिफिकेशन इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. कैप्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो किस में की जाती है? की जाती है फिग में की जाती है, यानी अंजीर में की जाती है. बट कौन सी अंजीर में? सिमिरना जो फिग है उसमें की जाती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 38 नंबर, मैक्सिमम परसेंटेज पॉलिनाइजर ट्री आर रिकमेंडेड इन एप्पल और चार्ड. 11%, 22%, 32% या 33%? तो हमारा मैक्सिमम 33% पॉलिनाइजर ट्री आर रिकमेंडेड फॉर एप्पल ऑर्चर्ड. एप्पल ऑर्चर्ड के लिए 33% तक क्या होने चाहिए भाई? पॉलिनाइजर ट्री होने चाहिए, ठीक है. 39 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, थॉर्नलेस रूट स्टॉक ऑफ रोज जिसका नाम है निशांक वॉज डेवलप्ड बाई, तो कहाँ से डेवलप्ड हुई थी रोज़ की ये रूट स्टॉक? ये डेवलप हुई थी IIHR बेंगलोर से, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर, जर्नल का नाम क्या है? इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाई, तो इंडियन हॉर्टिकल्चर है ये पब्लिश्ड हुई है ICR से. कहाँ से पब्लिश्ड हुई है? ICR से, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्का आलोक इज अ वैरायटी ऑफ टमाटो विच शो रेजिस्टेंट अगेंस्ट, जो किसके लिए अपने सिम्टम्स रेजिस्टेंट शो करती है? वो करती है बैक्टीरियल विल्ट के लिए. तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी मान लीजिए वो कौन सी है? अर्का आलोक है. और अर्का आलोक किसकी वैरायटी है? टमाटो की वैरायटी है, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा, प्रोपगेशन ऑफ हेलिकोनिया इज डन बाय, हेलिकोनिया का जो प्रोपगेशन होता है वो किससे होता है? वो राइजोम से होता है. किससे होता है जी? राइजोम से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक एडवांस इन एरिड हॉर्टिकल्चर, बुक का नाम क्या है? द एडवांस इन हॉर्टिकल्चर. ये कहाँ से डेवलप्ड, किसने लिखी है? ये जो लिखी है ये OP अवस्थी ने लिखी है. यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर की, वैसे आपने देखी होगी MS रंधावा जी की, पर यहाँ पे जो देखिए एडवांस इन एरिड हॉर्टिकल्चर, किसकी बात हो रही है? एरिड हॉर्टिकल्चर की. और ये जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? वो OP अवस्थी जी ने लिखी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइनोडायोशियस वेराइटी ऑफ पपाया. तो गाइनो का मतलब फीमेल फ्लावर और डायोशियस हमने बोला था, या फिर तो मेल फ्लावर एक है, डायोशियस का मतलब एक प्लांट पे या फिर तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है. और गाइनो आ गया यानी फीमेल फ्लावर तो एक होगा ही होगा. नेक्स्ट जो है देखिएगा, गाइनो डायोशियस जो वैरायटी ऑफ पपाया है वो कौन सी है, सनराइज सोलो. इन चारों में से गाइनो डायोशियस वैरायटी जो पपाया की है वो है सनराइज सोलो. नेक्स्ट है ड्वार्फ, अबाउट परसेंटेज मेल प्लांट शुड बी देयर इन पपाया ऑर्चर्ड, ठीक है. ड्वार्फ, ड्वार्फ में मतलब मेल जो प्लांट होते हैं एक ऑर्चर्ड में पपाया के, वो कितने परसेंट तक होने चाहिए, तो वो कितने होने चाहिए, 10% होने चाहिए, ठीक है. मेल फ्लावर कितने, मेल प्लांट कितने होने चाहिए, 10%. रत्ना, ए मैंगो हाइब्रिड वॉज इन्वॉल्व बाई मेकिंग क्रॉस बिटवीन. जो रत्ना है वो किसका क्रॉस है, तो ये आप लोगों को अच्छी से पता है, नर जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं NAR, दैट इज़ नीलम इंटू अल्फांसो का जो क्रॉस है वो क्या है, रत्ना. और ये मैंगो की वेराइटी है, ठीक है. नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, MM जो सीरीज है वो किसकी रूट स्टॉक है. MM सीरीज ऑफ रूट स्टॉक बिलोंग टू विच फ्रूट क्रॉप. तो MM वाली जो सीरीज है वो हमने देखी है, M9 हुआ, M19 हुआ, तो वो जो सीरीज है वो किसकी है, एप्पल की है, ठीक है. ये जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एप्पल होगा. MM वाली जो सीरीज है वो किसकी है, एप्पल की है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ कट ब्रिंजल वैन एक्सपोर्ट टू एयर इनिशियली क्या होता है, टर्न ब्राउन. सच ब्राउनिंग इज ड्यू टू एक्शन ऑफ. जब हम ब्रिंजल को कट करते हैं तो हम लोगों ने घरों में अमूमन देखा है तो ब्रिंजल कैसे ब्राउनिंग हो जाती है, ठीक है. तो वो जो ब्राउनिंग होती है वो किसके कारण होती है, वो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइज के कारण होती है, ठीक है. उस काटने के बाद ब्रिंजल कैसी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है. तो वो इसका जो आंसर होगा वो पॉलीफिनाइल होगा, PPO, दैट इज क्लियर है. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है हमारा, द नॉन प्रेफरेंस इंसेक्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म इन नॉन एज. तो वो क्या है, एंटी जीनियस, ठीक है. नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजन ऑफ कैश्यू. ओरिजन ऑफ कैश्यू मतलब कैश्यू नट का उत्पत्ति स्थान कौन सा है. तो कैश्यू का जो ओरिजन है वो क्या है, ब्राजील है. कैश्यू नट का जो ओरिजन है वो क्या है, ब्राजील है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोकोआ वाज ओरिजिनेटेड बाई. कोकोआ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, तो कोकोआ जो है वो साउथ अमेरिका जो है उसका ओरिजिन प्लेस है कोकोआ का. और जिससे क्या बनती है, आप लोगों को अच्छे से पता है, चॉकलेट बनती है ना कोकोआ प्लांट से. तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, साउथ अमेरिका से है. नेक्स्ट देखिएगा, मशरूम इज एडिबल. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मशरूम आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी है और मशरूम जो है वो गुड सोर्स है प्रोटीन का. और मशरूम एक एडिबल फंगस है, खाई जाने वाली जो फंगस है वो कौन सी है, मशरूम है, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा फंगस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइंटिफिक नेम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है. साइंटिफिक नेम बताना है किसका, गुलाब जामुन का. देखो सीजियम जम्बैक जो है वो साइंटिफिक नेम है गुलाब जामुन का. क्या नाम है, सीडियम जम्बोस, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेचर फॉर एप्पल. एप्पल में जो स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं उसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 4 to 7 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. एक तो स्कैरिफिकेशन होता है सीड ट्रीटमेंट जब हम, और एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है जब हम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेकआउट करते हैं. तो जब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है. तो एप्पल में जो स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 4 to 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, वॉट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ गुआवा. गुआवा में जब हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं सीड के लिए, उसके लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए. तो वो जो टेम्परेचर है वो कितना है, 77 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है. गुआवा की बात कर रहे हैं तो स्पेशली गुआवा में 77 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है. नेक्स्ट हम चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिस्टम अकोमोडेट परसेंटेज ऑफ मोर प्लांट, ठीक है.
देखिए कितना परसेंटेज मोर प्लांट होते हैं इसमें, तो इसमें होते हैं 15% मोर प्लांट. वट इज द आइडियल प्लांटिंग टाइम फॉर ग्रेप इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया के लिए आइडियल जो टाइम है किसकी मतलब किसकी ग्रोइंग के लिए ग्रेप की, तो वो कौन सा है? जनवरी मंथ जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है ग्रेप का नॉर्थ इंडिया में प्लांटिंग टाइम के लिए. 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रोथ हार्मोन इज अल्टरनेटिव टू चिलिंग रिक्वायरमेंट? चिलिंग रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा हार्मोन है वो क्या है अल्टरनेटिव है? देखिए तो वो जो है वो है GA3, दैट इज जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड जो है वो अल्टरनेटिव है किसका? चिलिंग रिक्वायरमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल सिट्रस फ्रूट ड्रॉप? सिट्रस में जो फ्रूट ड्रॉपिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो हमने देखा है कि 2,4-D है वो एज ए प्लांट हार्मोन भी काम करता है और VDCide भी. जब उसका जो फॉर्म है 20 PPM से कम होगा तो फिर वो एज ए हार्मोनल है, और उससे ज़्यादा कंसेंट्रेशन में होगा तो एज ए VDCide है. तो देखिएगा कंट्रोल करता है ये 2,4-D फ्रूट ड्रॉप से. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? प्रॉपिंग के लिए बात करते हैं. प्रॉप यानी पेड़ों को, जो पेड़ हैं जो बनाना में की जाती है प्रॉपिंग, जो उसका छिलका होता है उसी से उसको क्या बांध दिया जाता है, ताकि जो क्रॉप लॉजिंग है जो फसल गिरती है उससे बचाने के लिए किया जाता है प्रॉपिंग, और ये बनाना में किया जाता है. ठीक है, टू प्रॉप यानी टाई अप कर दिया जाता है बनाना के प्लांट को समूह में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है. सिंगाटोका लीफ स्पॉट इज अ डीवॉस्टिंग डिजीज ऑफ? तो सिंगाटोका है ये एक फंगल डिजीज है और ये बनाना में सबसे ज़्यादा अटैक है ना, तो सिंगाटोका के नाम से बनाना क्रॉप हमें याद आती है, तो ये किससे रिलेवेंट है? बनाना से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. 62 नंबर क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो बिलोंग टू फैमिली? स्वीट पोटैटो शकरकंद जो है उसकी फैमिली, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है नेट वेजिटेबल में. अगर नेट का एग्जाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो इसका जो है फैमिली कौन है? कॉनवोवलेसी फैमिली से बिलोंग करता है कौन? अपना स्वीट पोटैटो. ठीक है, शकरकंद. आप देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ब्रेकफास्ट इज अ वैरायटी ऑफ? फ्रेंच ब्रेकफास्ट नाम बड़ा अच्छा है, फ्रेंच ब्रेकफास्ट जो है वो वैरायटी किसकी है? तो वो रेडिश की वैरायटी है, मूली की जो वैरायटी है वो कौन सी है? फ्रेंच ब्रेकफास्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोमा ऐश्वर्या इज अ वैरायटी ऑफ? राजस्थान में बड़ी फेमस वैरायटी है गोमा ऐश्वर्या, है ना, और ये जो वैरायटी है वो किसकी है? आंवला की है. किसकी है? आंवला की जो वैरायटी है वो उसका नाम है गोमा ऐश्वर्या, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर राजस्थान. बीटी ब्रिंजल की बात कर रहे हैं, किसकी? 65 नंबर क्वेश्चन, बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड फॉर रेजिस्टेंट अगेंस्ट? डेवलप्ड की गई किसकी रेजिस्टेंट के लिए, किसको किल करने के लिए? तो वो है फ्रूट एंड शूट बोरर. ठीक है, फ्रूट एंड शूट बोरर जो कि ब्रिंजल में और सोलेनेसी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसको लार्वा ये कैटरपिलर है इसको कल करने के लिए बीटी ब्रिंजल का यूज़ किया गया, ये डेवलप्ड की गई. ठीक है, लिली इज़ प्रोपेगेटेड बाय, जो लिली है वो किससे प्रोपेगेट होती है? तो ये वेरी फेमस बल्ब से प्रोपेगेशन होता है लिली का. ठीक है, लिली फ्लावर क्रॉप है और इसका जो फॉर्मेशन यानी प्रोपेगेट होगी वो किससे होगी? बल्ब से होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्लिक बल्बिश इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ? गार्लिक जो बल्बिश है वो किसका मॉडिफिकेशन है? तो गार्लिश बल्बिश जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जो तना है उसका मॉडिफिकेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, ग्लैडुलस बिलोंग टू फैमिली? ग्लैडुलस जो है फ्लावर है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ग्लैडुलस फ्लावर जो है वो इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है. देखिए फ्लोरिकल्चर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिक कुछ कुछ उसके पूछे जाते हैं, तो इनमें से एक ये भी है, जो ग्लैडुलस है उसकी फैमिली का नाम क्या है? इरिडेसी फैमिली है. ठीक है, क्लियर है. 69 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सैफ्रॉन इज यूज्ड एज अ स्पाइसेस? जो हमारी सैफ्रॉन यानी केसर है उसका कौन सा जो पार्ट है वो यूज है एज ए स्पाइसेस के? तो स्टिग्मा जो है वो हम यूज करते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? स्टिग्मा हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, क्रोमोसोम नंबर ऑफ जैकफ्रूट, जैकफ्रूट जो कटहल है उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? तो क्रोमोसोम नंबर जो जैकफ्रूट का होता है वो 56 होता है, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर जो होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 56. नेक्स्ट 2n क्रोमोसोम नंबर ऑफ मूसा स्फेंटेनम. देखो ये जो है जैसे मूसा पैराडिसिका है, बल्बेशियाना है, ये जितनी सब स्पीसीज है, तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर होता है वो होता है 66, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ग्रुप ऑफ वेजिटेबल ऑक्सिलेट आर कॉमनली फाउंड. जो ऑक्सिलेट है, कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिनमें ऑक्सिलेट कॉमनली फाउंड यानी मिलते हैं? रूट्स जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ऑक्सिलेट्स जो होते हैं वो कॉमनली मिलते हैं. कौन सी वेजिटेबल्स? रूट्स वाली वेजिटेबल्स जितनी भी हैं. अब देखिए, सल्फर फंजीसाइड आर वाइडली यूज्ड इन वेजिटेबल क्रॉप. तो सल्फर फंजीसाइड जो है वो कौन सी क्रॉप में मोस्टली यूजेस किया जाता है? तो क्रूसीफेरी में, क्योंकि तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, है ना? तो क्रूसीफेरीज में क्या हो जाते हैं, सल्फर फंजीसाइड आर वाइडली यूज्ड फॉर. Which of the following fruit crop has highest amount of riboflavin? तो देखिए riboflavin जो है, जो vitamin B2 की बात करें तो वो जो है वो कौन सी में है? तो बील जब हम खाते हैं तो उससे क्या vitamin B हमें B2 specially, ठीक है, वो मिलता है. तो B2 कॉम्प्लेक्स, विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो होता है riboflavin वो बील पत्र में होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम 75 की बात करते हैं. TSS for total soluble salt for jam should not be more than, कितना नहीं होना चाहिए TSS जैम में? 70 डिग्री ब्रिक्स जो होते हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैम की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, 70 ब्रिक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज हाईली सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, जेली बनाने के लिए, ठीक है? जेली बनाने के लिए जो सबसे अच्छा फ्रूट है वो कौन सा है? हम हमेशा पढ़ते में आए हैं ये जो फ्रूट है वो है गुआवा, ठीक है? जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है? गुआवा. गुआवा की सबसे अच्छी जेली बनती है. एप्पल का जैम अच्छा बनता है, गुआवा की जेली अच्छी बनती है, ठीक है? नेक्स्ट, और सिट्रस की बात करें तो मैंड्रीन वगैरह है वो, ऑरेंज सिट्रस इनका अच्छा बनता है. नेक्स्ट देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन जो है, IISR is situated in Indian Institute for Spices Research जो है वो कहाँ situated है? तो वो कालीकट केरला में situated है. कहाँ है? कालीकट केरला में, ठीक है? Next question, 78 number question, which of the following medicinal plant is used to cure high blood pressure, ठीक है? High blood pressure, ये question भी काफ़ी बार पूछा जाता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? वो किसके लिए कौन सा? रहु वोल्फिया, अश्वगंधा, है ना, या फिर बेलाडोना या फिर डिजिटल. तो बात कीजिए रहु वोल्फिया, ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्योर करता है किसको? बीपी को, ब्लड प्रेशर को. तो आंसर जो हमारा होगा वो रहु वोल्फिया होगा. 79 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज यूज फॉर क्यूलिनरी पर्पज, ठीक है? देखिए कौन सा मेडिसिनल प्लांट के क्वेश्चंस हैं, कौन सा ऐसा क्यूलिनरी पर्पस है? तो एलोवेरा जो है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए यूजफुल है, ठीक है? नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, रामबुटान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली. तो रामबुटान जो है वो कौन सा सेपिंडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली से? सेपिंडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, 81, चिल्ली लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय. जो लीफ कर्ल वायरस है, आपको देखा गया जो वायरसेस होते हैं उसको फैलाने का, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का जो काम करते हैं वो वेक्टर, यानी वेक्टर फैलाने का. वो वेक्टर कुछ भी इंसेक्ट हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट बात कर रहे हैं चिल्ली लीफ कर्ल में, तो वो जो है वो वाइट फ्लाई जो है मेमेसिया टैबेकाई वो है, वो वैक्टर का काम करती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, 82 नंबर, रैंडमाइजेशन इज यूज्ड टू रिमूव. जो रैंडमाइजेशन करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, वो किसको करती है? बायस्ड को कम करता है. किसको कम करता है? बायस्ड. जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे सपोज कि प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग में हमने ट्रीटमेंट यूज़ करने हैं, तो ट्रीटमेंट जितने हम ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट हमने इस प्लॉट में किया, फिर दूसरा सेम इसमें किया,
जो भी अनसेटल, जैसे इन वाले चार प्लॉट है उनमें सेम यील्ड आ रही है और पांचवे वाले में थोड़ी कम आ रही है ज्यादा, तो वो क्या हो जाए, वो बाइस्ड हो गया, ठीक है? तो रैंडमाइजेशन है वो बाइस्ड को कम करता है। 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, रेंज ऑफ कोरिलेशन कॉफिशेंट, तो ये रेंज होती है -1 टू लेके +1, ठीक है? कॉफिशेंट, कोरिएशन कॉफिशेंट की जो रेंज होती है वो ऑलवेज -1 टू लेके +1 होती है, ठीक है? 84 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन निमेटोड इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ, जो गोल्डन निमेटोड सिस्ट निमेटोड है ये सबसे ज़्यादा किस में, वो ट्यूबर का फॉर्मेशन, ट्यूबर रूट्स वाली, क्योंकि निमेटोड हमेशा जो नीचे लगेंगे उनको ज़्यादा डैमेज करेगा, ज़्यादा हार्म करेगा। तो इसमें बात करें तो हमारा जो आंसर है वो पोटैटो, ठीक है? गोल्डन निमेटोड इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज प्रिजर्वेटिव इन टमाटो कैचअप, टमाटो कैचअप को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा हमें क्या प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेटिव ऐड करना चाहिए? तो प्रिजर्वेटिव में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोरबिक एसिड और ग्लैसियल एसिटिक एसिड। कैचअप कैसा है, कलर्ड है, तो कलर्ड वाले के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज टू प्रिजर्व कलर्ड प्रोडक्ट। अभी हमने बात की है कैचअप भी कलर्ड था, तो कलर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, और कलरलेस के लिए सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड, ठीक है? पोटेशियम मेटाबाइल सल्फाइड, KMS। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 87 में क्या है, एप्पल कैन बी स्टोर्ड फॉर 4 to 8 months एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, जो एप्पल है वो स्टोर कर सकते हैं 4 to 8 months के लिए, बट उसके लिए आपको पता है जब स्टोरेज करते हैं तो एक फेवरेबल, हर एक क्रॉप, हर एक फ्रूट वेजिटेबल के एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है। एप्पल के लिए क्या है, क्योंकि एप्पल टेम्परेट फ्रूट है, तो उसके लिए क्या होगा, 0 से लेके -1 तक अगर आप उसे स्टोर करेंगे इस टेम्परेचर में, तो उसकी जो है वो लाइफ जो हो जाएगी वो 4 to 8 months तक वो आराम से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एप्पल को। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ इंटरक्रॉप इन बेर ऑर्चार्ड, ठीक है? बेर के ऑर्चार्ड में कौन सी क्रॉप से हम इंटरक्रॉप करेंगे, बेर का ऑर्चार्ड लग रहा है जो बीच में स्पेस है उसमें हमने कल्टीवेशन कर दिया है, दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया है, दैट इज इंटरक्रॉप, और उसमें कौन सी अच्छी है, पियर, वीट, मस्टर्ड या फिर ग्राउंडनट। तो देखो बेर का जो ऑर्चार्ड है उसके लिए जो बेस्ट है वो कौन सी है, ग्राउंडनट, दैट इज एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है? ग्राउंडनट जो है वो सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट देखिएगा चिकन टंग, 89 नंबर क्वेश्चन है, चिकन टंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप, तो चिकन टंग जो है वो किससे रिलेटेड है, वो लीची से है, ठीक है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो लीची से, लीची की क्रॉप से रिलेवेंट है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाय, एप्पल स्कैब जो है वो किसकी वजह से कॉज्ड होता है, तो वो वेंट्यूरिया की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हैविंग हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग का हाइएस्ट परसेंटेज कौन सी क्रॉप का है, तो वो है कॉल क्रॉप्स में अगर देखा जाए तो वो है ब्रोकली का, ब्रोकली का जो है वो आउट क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। द आर्ट ऑफ बॉन्साई वॉज ओरिजिनेटेड आर्ट, तो इसमें क्या बोला है कि ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है, तो बॉन्साई जो है वो ओरिजिनेटेड चाइना से हुई है, बट इसको बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्निक जो हुई है वो कहाँ से, वो जापान है ना, जापान के थ्रू हुई है, बट अगर ओरिजिन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, ओरिजिन, तो ओरिजिन बॉन्साई का कहाँ है, चाइना, तो हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड का हाइब्रिड इसमें क्या है, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, तो पूसा संकर वन जो है वो अफ्रीकन मैरीगोल्ड की हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइंटिफिक नेम ऑफ चल्टा इज, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है, डिलेनिया इंडिका, डिलेनिया इंडिका, ठीक है?
राष्ट्रपति गार्डन इज ए रेप्लिका ऑफ, रेप्लिका मतलब मुगल गार्डन का है. मुगल गार्डन वो होते हैं जैसे जो सेम इमेजिनरी देते हो, फाउंटेन होगा बीच में और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है हूबहू सेम पोर्शन. एक प्लांट अगर इस पोर्शन पे लगा हुआ है तो सेम दूसरा वाला भी यहीं पे लगेगा. सेम हाइट होगी, सेम उनकी प्रूनिंग कटिंग होगी, ठीक है. कोई भी उनको स्ट्रक्चर दी जाएगी, कैनोपी दी जाएगी, इक्वल हैजेस होंगी, इक्वल एजेस होंगी. अगर आपने आधा पोर्शन घूम लिया है तो आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सेम जो चीज़ है वो यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक है. तो ये एक मिरर इफेक्ट होता है. मुगल गार्डन बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 96 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लीफ एरिया. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने को, लीफ एरिया को मेजर करते हैं? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है, वो है एलेनोमीटर. एलेनोमीटर से क्या करते हैं, लीफ एरिया को मेजर किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर, न्यू सेलर सीडलिंग आर फाउंड इन. ये क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनिक ही है, यानी सिंगल ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, वही न्यू सेलर है, ठीक है. तो ये किस में होता है? ये होता है एसिड लाइन में, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वर्थ पर्पस, ठीक है. अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें वाइट सेंटेड रोज जो है वो है, ठीक है. आंसर क्या होगा, वाइट सेंटेड रोज, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, लोवेस्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज फाउंड. इसने क्या पूछा है, सबसे पहला वर्ड है लोवेस्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन. लोवेस्ट जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो कुकुरबिट्स में होता है, ठीक है. और अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन पूछा जाता तो अनियन, कैरेट, इनमें जो है, इनमें सबसे ज़्यादा, मेज है, इनमें सबसे ज़्यादा इनब्रीडिंग हाई होता है, ठीक है. और जो कॉर्न क्रॉप्स हैं उनमें भी होता है, बट सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट होता है वो कुकुरबिटेसी में होता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, एल्केली सॉइल आर रिकलमाइन बाई, मतलब एल्किलिन सॉइल को सुधारने के लिए, रिकलमेन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है जिप्सम का, ठीक है. तो ये तो हमारा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज सुटेबल फॉर पिकिंग मेकिंग, ठीक है. पिकल्स मेकिंग के लिए जो सुटेबल फ्रूट है वो कौन सा है? तो वो जो है वो लिमोनिया है. क्या है? लिमोनिया, क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लॉयडी लेवल ऑफ कल्टीवेटेड टर्मेरिक इज. प्लॉयडी लेवल जो है वो कल्टीवेटेड टर्मेरिक का क्या है? टेट्राप्लॉयड है. क्या है? टेट्राप्लॉयड है. तो हमारा जो आंसर हो गया है वो क्या है? वन इज टेट्राप्लॉयड. नेक्स्ट देखिएगा, रोज फ्रूट इज कॉल्ड. रोज में जो फ्रूट है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, रोज के फ्रूट को क्या, वो नीचे जो होता है वो क्या होता है? हिप कहलाता है. उसे क्या बोला जाता है? हिप्स बोला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, एडिबल पोर्शन ऑफ ब्रोकली इज नॉन एज. ब्रोकली जो है कॉल क्रॉप्स की बहुत फेमस, काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ब्रोकली में, ठीक है. ऑल विटामिंस मिनरल्स काफ़ी प्रेजेंट होते हैं और इसका जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? वो है फ्लावर, ठीक है. फ्लावर स्टेम जो है ये ब्रोकली का एडिबल पार्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच पोर्शन ऑफ ब्रुशल स्प्राउट इज एडिबल. ब्रुशल स्प्राउट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे. तो ये भी कॉल क्रॉप, ब्रैसिकेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ब्रुसल स्प्राउट्स है, नोल खोल है, ये सारी ब्रैसिकेसी फैमिली से, कॉल क्रॉप से बिलोंग करते हैं. और ब्रुसल स्प्राउट्स स्मॉल बर्ड्स एंड जो स्प्राउट्स है वो एडिबल है, खाने वाले जो हैं वो क्या है? छोटे छोटे क्या होते हैं? ब्रुसल स्प्राउट्स लगते हैं, ठीक है. स्मॉल बर्ड्स बोला जाता है, ठीक है, वो है. नेक्स्ट है, क्राइसैंथेमम इज क्लासिफाइड एज अ प्लांट. जो क्राइसैंथेमम है वो कैसा है? वो शॉर्ट डे प्लांट है. क्राइसैंथेमम जो है वो कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 107 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट. किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट की बात कर रहे हैं. शीतोष्ण जलवायु का जो राजा है वो किसे बोला जाता है? वो आप सब अच्छे से जानते हैं. कौन है किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट? एप्पल है, ठीक है. वहीं अगर पूछा जाए किंग ऑफ एरिड फ्रूट, तो एरिड फ्रूट जो है किंग, वो कौन है? बेर है.
वहीं आपसे पूछा जाए किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट तो गुआवा है और किंग ऑफ फ्रूट्स जो होता है वो मैंगो होता है, ठीक है? तो जितने भी किंग हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 का, वो है विच पोर्शन ऑफ सिट्रस इज एडिबल, सिट्रस का कौन सा पोर्शन खाया जाता है। तो अच्छे से पढ़ के आए हो, है ना, जूसी प्लेसेंटा जो हेयर्स होते हैं उनमें वो क्या है, वो एडिबल पार्ट है किसका, सिट्रस का, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जूसी प्लेसेंटा हेयर जो है वो एडिबल पोर्शन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नोवोज इवोल्ड बाई मेकिंग क्रॉस बिटवीन, किन्नो में, किन्नो एक मैनमेड हाइब्रिड है ये भी, ठीक है, मैनमेड फ्रूट है, और ये जो है ये किसका क्रॉस कराने के लिए, तो किंग इनटू विलो लीफ बोला जाता है। अब उसकी स्पीसीज का नाम देखिए, सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोसा जो है, डेलिस्कोसा जो है, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया तो फिर स्पीसीज क्या बनी, तो हमने किन्नू को लिया, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, किंग इनटू विलो लीफ इसका नाम है, यानी सिट्रस नोबिलिस और डेलिसियोसा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर रेजिन मेकिंग, यानी किशमिश बनाने के लिए ग्रेप आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ, जो ना अंगूर है उनको किसमें सॉल्यूशन में किया जाता है, NaOH सॉल्यूशन में, ठीक है, के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और रेजिन बनाने के लिए ग्रेप्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज्ड, किसका टिश्यू कल्चर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हमेशा जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं मोस्टली जो किया जाता है वो बनाना, बनाना का टिश्यू, क्योंकि वेजिटेटिव, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लिया जाता है बहुत ही अच्छा बनाना। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कल्चर इज यूज वाइडली यूज, तो वो है बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर इज वेरी कॉमन इन, टिश्यू कल्चर है वो सबसे ज्यादा कॉमन किस में है, ऑर्किड में, कार्नेशन में, डहलिया में, या फिर जर्बेना में। फ्लावर की बात करें तो टिश्यू कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन है ऑर्किड फ्लावर में, ठीक है। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, न्यू कैस्टल इज अ वैरायटी ऑफ, कौन सी, न्यू कैस्टल इज अ वैरायटी ऑफ, ऑप्शन क्या है हमारे पास, एप्रिकॉट, खुमानी जो है उसकी जो वैरायटी है वो कौन सी है, न्यू कैस्टल वैरायटी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरियस प्रॉब्लम इन कोकोनट कल्टीवेशन, कोकोनट कल्टीवेशन में कौन सा इंसेक्ट है, ये कौन सी डिजीज उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो इरोफाइट माइट जो है, मकड़ी है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है किसमें, कोकोनट कल्टीवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, बैक्टीरियल गमोसिस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ, बैक्टीरियल गम, गम जैसा निकलता है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, वो है किसकी, इंपॉर्टेंट है ये पीच जो है, पीच फ्रूट, उसकी सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज है, कौन सी, बैक्टीरियल गमोसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये टेबल फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है क्रॉप का नाम और सेकंड जो है वो फैमिली दी हुई है, ठीक है। तो आपको सबका देखना है कि कौन सी क्रॉप है, बथुए का बोला है, बथुए की जो फैमिली है वो कौन सी है, सी, चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर देख लीजिए, अब जैसे आपको आ रहा है ओकरा का, ओकरा का कौन सा है, मालवेसी फैमिली है। फिर पी की बात करें, मटर की बात करें, तो मटर जो है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम फैबेसी है और इसकी जो सब फैमिली है वो पेपिलिनियोसी है, ठीक है, क्या है, पेपिलिनियोसी है। तो इसका जो क्रॉप कौन सी फैमिली से हो गया, पेपिलिनियोसी फैमिली से। स्वीट पोटैटो को हमने पढ़ाई था, कौन सी थी, कॉन्वोवलेसी फैमिली। बच्चा कैरेट, तो कैरेट की जो फैमिली है वो कौन सी है, अम्बेली फेरी। चारों ऑप्शन हो गए। बथुआ, बथुआ जो है वो चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैरेट जो है वो क्या है, अम्बेली फैमिली से बिलोंग करती है। पी की बात करें तो पी का जो आंसर है वो पेपिलिएसी या फिर ग्रामिनी फेबेसी, कुछ भी बोल दीजिए, ये सब फैमिली है उसकी। ओकरा जो है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्वीट पोटैटो की बात करें तो ये कौन सी है, कॉन्वोवलेसी से बिलोंग करता है। चलिए देखिए, ये जो नेक्स्ट है मैच फॉलोइंग, मैच करने अपन को 24D क्या है, 24D तो 24D है वो क्या है,
2,4-D एक हर्बिसाइड है, तो इसका मैच कहाँ से हुआ, ये हर्बिसाइड है। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये PGR है, क्लियर है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। मेलाथियन की बात करते हैं तो मेलाथियन क्या है, पेस्टिसाइड है, क्या है, पेस्टिसाइड है, मेलाथियन पेस्टिसाइड है। थायराम कैप्टान ये क्या है, सी ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये फंजीसाइड है, फंगस से प्रिकॉर करने के लिए, तो इसमें क्या आ गया, बी आ गया। राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन क्या है, वाइटमिन है, और कौन सा वाइटमिन है, वाइटमिन B2, ठीक है, और राइबोफ्लेविन B2 के लिए हमने क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, बील पत्र में सबसे ज़्यादा राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। तो हमारे जो आंसर हो गए वो क्या हो गए, फर्स्ट 2,4-D हर्बिसाइड है, सेकंड ऑक्सिन PGR है, मेलाथियन पेस्टिसाइड है, थायराम जो है वो फंजीसाइड है, और राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट जो है वो है प्लम दिया हुआ है, जूसी अल्बर्टा दिया हुआ है, गुआवा कैंकर है, ये गुआवा कैंकर, लिटिल लीफ और गमोसिस, इसके बारे में आप उनको बताना है। देखिए जो प्लम है वो क्या है, एक स्टोन फ्रूट है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके आगे प्लम जो है वो क्या है, एक स्टोन फ्रूट है, ठीक है, गुठलीदार एक फल है। सेकेंड है जूसी अल्बर्टा, जूसी अल्बर्टा किसका होता है, बिल्कुल पीच का जो होता है वो क्या होता है, जूसी अल्बर्टा। गुआवा कैंकर, गुआवा कैंकर किससे कॉज होता है, फंगस से, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बात करते हैं लिटिल लीफ, लिटिल लीफ जो है ये कहाँ से, लिटिल लीफ वायरस कॉज कौन, वायरस से है ना, और इसको जो फैलाता है वो कौन फैलाता है, वाइट फ्लाई। देखो गमोसिस की बात करें, गमोसिस जो है ये कॉपर डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, गमोसिस जो होगा वो क्या होगा, कॉपर की डेफिशिएंसी से होगा। तो इसमें क्या है, प्लम एक स्टोन फ्रूट है, जूसी अल्बर्टा पीच का है, गुआवा कैंकर फंगस, एंड लिटिल लीफ की बात करें तो वायरस है, और गमोसिस जो है वो क्या है, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, जी हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, एपोमिक्सिस, एम्फेनिक्सिस और आलमंड, तो ये देखिएगा आगे कुछ दे रखे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या होगा, होमोजाइगोसिटी होगी, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होंगे, मेल गैमेट्स और फर्टिलाइजर्स, तो होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन, तो बहुत सिंपल है, हेटरोजाइगोसिटी को, किसको करेंगे, हेटरोजाइगोसिटी को, ठीक है। एपोमिक्सिस, लेक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो का, विदाउट एम्ब्रियो फूड का डेवलपमेंट होना, तो ये क्या है, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसका भी बिल्कुल सही है, सी एपोमिक्सिस, लेक ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्फीमिक्सिस की बात करते हैं, सेक्सुअल पॉलिनेशन, तो वो क्या हो गया, एम्फीमिक्सिस, ठीक है, सेक्सुअल जो पॉलिनेशन होता है वो एम्फीमिक्सिस। आलमंड, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट होती है आलमंड में, तो इसमें जो है ABCD करके सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होमोजाइगोसिटी, क्रॉस पॉलिनेशन हेटरोजाइगोसिटी, फिर एपोमिक्सिस लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर है एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल पॉलिनेशन, और इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो प्रेजेंट होती है वो आलमंड में होती है। जो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है पोरोमीटर, यहाँ दिए में साइक्रोमीटर है, ये जो आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ ड्रॉट है, ठीक है, ये सी नहीं है, ये डी है, ठीक है, ड्रॉट के लिए, गुआवा बिल्ट और ऑक्सैनोमीटर। तो देखिए पोरोमीटर की बात करते हैं, पोरोमीटर क्या करता है, ये स्टोमेटा अपर्टर मेजरमेंट है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। साइक्रोमीटर की बात करें तो ये जो है ये क्या है, टिश्यू वाटर पोटेंशियल को करता है, ठीक है, किसको मेजर करता है, टिश्यू वाटर पोटेंशियल को। ड्रॉट, ड्रॉट क्या है इनमें से, तो ड्रॉट एक एबायोटिक स्ट्रेस है, ठीक है, जो नेचर से होता है, ठीक है, प्राकृतिक वे में एबायोटिक स्ट्रेस है। गुआवा विल्ट की बात करें, एल्केलाइन सॉइल कंडीशन में, गुआवा विल्ट जो है वो एल्केलाइन सॉइल कंडीशन में होता है। और ऑक्सैनोमीटर की बात करें, प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट करता है, क्या करता है ऑक्सैनोमीटर, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। तो सारे हो गए, सबसे पहले पोरोमीटर, पोरोमीटर क्या करेगा, पोरोमीटर स्टोमेटा अपर्टस मेजरमेंट करता है। साइक्रोमीटर टिश्यू वाटर पोटेंशियल को, ड्रॉट एबायोटिक स्ट्रेस है। जो गुआवा विल्ट है वो क्या, अल्केलाइन सॉइल कंडीशन में ज़्यादा
कॉज करता है, ठीक है, और ऑक्सिनोमीटर जो है प्लांट ग्रोथ को मेजर करता है. जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का 120 वो ये है, ठीक है, मैच में से ऑलमोस्ट हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस. ये है गार्डन के नेम, रोशनारा गार्डन जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो रोशनारा जो गार्डन है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 दिल्ली, ठीक है. दिलखुश गार्डन, दिलखुश गार्डन जो है वो लाहौर में सिचुएटेड है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्या है, लाहौर में बना हुआ है. ओशाका, ओशाका गार्डन कहाँ है, जापान में है. ओशाका गार्डन कहाँ है, जापान में है. रोज़ गार्डन एज यू नो वेरी फेमस चंडीगढ़ में है. और लेयॉर्ड जो बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है, दार्जिलिंग में है. कहाँ है लेयॉर्ड, दार्जिलिंग में. तो जितने भी हमारे JRF में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे 2011 का, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है. होप सो आपके ये क्वेश्चन आगे आने वाले फर्दर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है. तो ये जो है ये ऑप्शनल थे 5 वाले, ठीक है, मैच द फिलिंग द मैच थे, और बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव किए हैं. इसकी जो PDF है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है. और वहाँ पे क्विज सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज चल रही हैं, तो आप वहाँ जाके और भी क्विज को, और भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच.